Now, children, look at this page. Here I have written all the definitions which we are to use while understanding the heredity and variation. Okay, you don't worry what I am going to explain on plain page. All those definition I have written and I am going to send you all these definition through this page. Okay, but I am explaining it on this page. Come to here now. देखो अभी ये पंखे की हवा में पेजेस भी उड़ते हैं. नाउ कम टू हियर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव टू फॉलो द सीक्वेंस विच आई हैव रिटन ऑन दिस पेज. फर्स्ट इज जेनेटिक्स. आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड. देन आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी एज आई कैन शो यू ऑन दिस पेज. दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. एंड देन आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन. दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दीज टू टर्म, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए I have to give you one term. ये जो मैंने नीचे लिखा है father of genetics. तो father of genetics यानी कि जिन्होंने inheritance के laws की study करी, तो ये 10th class में भी थोड़ा पढ़ के आयो. तो Mendel is known as the father of genetics. अब मैं आपको पहले इनकी थोड़ी history बता दूं. He is known as the father of genetics. अब Mendel ने क्या किया था कि Mendel was basically he was a mathematician and he was you know father in a church of Czechoslovakia. But he was very curious to know that he was not a scientist, not a researcher and no. But and he was mathematician basically. His subject was mathematics only. But he was very much curious to know that how do character transfer from one to the next generation. So that the Mendel has grown. पाइसम सटाइवम ये यहां पर मैंने लिखा है कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट वॉज पाइसम सटाइवम. तो मेंडल ने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया पाइसम सटाइवम को एज शोन इन योर बुक. दिस इज द पी प्लांट. हियर ऑल्सो दे हैव शोन द पी प्लांट्स. तो वाई मेंडल हैज सिलेक्टेड द पी प्लांट. पहला क्वेश्चन तो यही है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था. तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट वॉज पाइसम सटाइवम. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाई मेंडल हैज सिलेक्टेड द पाइसम सटाइवम. इसका आंसर मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि पाइसम सटाइवम मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि द फ्लावर इज बाइसेक्चुअल. तो फ्लावर बाइसेक्चुअल होने का क्या फायदा है कि इफ द फ्लावर इज बाइसेक्चुअल तो सेल्फ एंड क्रॉस बोथ द पॉलिनेशन इज पॉसिबल. ओके. नंबर टू, इमास्क्यूलेशन इज ऑल्सो. टू तो हो गया. थर्ड इज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है. विद इन सिक्स मंथ इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल, सो दैट द सीड फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट कैन बी ग्रोन आफ्टर सिक्स मंथ एंड वी कैन ऑब्जर्व द सेकेंड जनरेशन, देन अगेन द थर्ड जनरेशन. सो दैट वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन इज यूजफुल फॉर द स्टडी पर्पजेज, फॉर रिसर्च पर्पजेज. देन इट कम्स द इमास्क्यूलेशन. दिस टर्म यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. इमास्क्यूलेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ स्टैमन. इफ वी वॉन्ट टू परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन और वी वॉन्ट टू पॉलिनेट द फ्लावर विद द डिजायर्ड टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, और देन द पोलन ग्रेन देन द स्टैमन ऑफ वन ऑफ द फ्लावर कैन बी रिमूव्ड एंड ओनली स्टिग्मा विल लेफ्ट और पिस्टिल विल लेफ्ट एंड दैट पिस्टिल विल बी पॉलिनेटेड बाय द डिजायर्ड टाइप ऑफ pollen grains, so that the emasculation is also easily can be performed in the Pisum sativum plant. And this is one very important characteristics. And then it comes the seven contrasting traits. Contrasting का मतलब होता है opposite. ये seven